क्यों पिया श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल किए हुए जल को वो ग्रहण कर लें तो वो निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गईं। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वो सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार ये आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वो परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु इन्हीं कारणों से कान्हा ठीक न हुए तो उसे नर्क भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थीं कि तभी वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गईं। अपने कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही वो स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वो क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वो नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक हो गए, क्योंकि वो राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था।